अल्लाह तुम्हें खुश रखे और औलाद की खुशियाँ दिखाए। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई है, बच्चों की दुआ पहले दे दी। अरे माँ बाप तो बच्चों को हर वक्त दुआएं देते ही रहते हैं, और निकाह भी माशाल्लाह हो ही जाएगा। बिल्कुल, चलो भी रस्म करें और ये उपटन देना। मैया सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को उपटन लगाऊंगी। क्या सोचा था, क्या हो रहा है? आया, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। अच्छा, फिर तो बुरा सोचने से बुरा होगा। तय हुआ आज से, अब से जो बुरा होगा समझ लेना हया की सोच पीछा करे कि भला मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती। मुझे नहीं लगाओगी उपटन? तुम कौन हो? मैं मीरा हूं, तुम्हारे कजन की होने वाली बीवी। जो रौनक है, जो लोग जमा हैं, ये सब सजावटें मेरे लिए है। सच कहती हो, टन मुर्तसिम की दुल्हन को ही लगेगा। क्या हरकती हया, मां बेगम देख लेती ना उपटन तुम्हारे मुंह में ठूस देती। वो क्या मेरे मुंह में उपटन डालती? उनके तो खुद सर में खाक डालने वाली आ गई है। खाक तुम्हारे मुंह में हया, मां के बारे में ऐसा कह रही हो? मैं कह रही हूं, और जो उन्होंने मेरे साथ किया वो मेरी जगह थी जहां मीरा बाके बैठ गई है। किसकी वजह से हुआ? माँ बेगम की वजह से। होश करो है, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। बचपन से तय थी उनकी शादी, बाबा ने बचपन में ही मुर्तसिम भाई के लिए मीरब को मांग लिया था। तुम क्यों नहीं समझती हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? कौन मानता है बचपन की मंगनी को इस जमाने में? हम मानते हैं, और अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें भी मानना होगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? नहीं समझाया करो मुझे, क्योंकि मैं नहीं समझूंगी, और ये स्मीरब का असल चेहरा मैं सबके सामने बहुत जल्द ले आऊंगी, देखना तुम। ठीक है, तुम्ही को तकलीफ होगी।
बाबा जल्दी से ही साइन कर दें। क्या है बेटा? मेरे लॉ कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। अच्छा जी, मुझे आपकी तरह वकील बनना है। लेट्स सी। कर देना साइन जल्दी। कर रहा हूँ भाई। आपकी बेटी वकील बनना चाह रही है, जल्दी साइन करें। अरे किस बात की जल्दी है भाई, कोई जरूरत नहीं है, इसकी शादी की उम्र है, शादी करवाएं। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? सारी जिंदगी बस माँ बाप के घर बैठे रहना है और फिर वकालत में सर खपाना है। बिल्कुल, इंसाफ का यही तकाजा है और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आपके बाबा सारी जिंदगी वकालत और इंसाफ करते रहे, आप बस अब उसकी शादी करवाएं। देखे ना बाबा। अरे भाई क्या तुम हर वक्त मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे क्या सोच रखा है आपने, रिश्ते आ रहे हैं इसके तो कर देंगे ना। किससे करेंगे? जो घर जमाई बनने के लिए तैयार होगा। बाबा फंस रहे। कैसा अच्छा लगेगा ना कि हमारी बेटी दुल्हन बनकर जाएगी और दूल्हा ब्याह कर लाएगी। वाह। मैं सीरियस हूँ। अब देखना, बेटी भी आएंगे और दूल्हे को घर लेकर आएंगे। चले अच्छा है ना, इस बहाने आपकी बेटे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उफ़ल्ला, आप लोग को मेरी बातें मजाक लग रही है, मैं बहुत सीरियस हूँ। आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो आप दोनों को शादी पे नहीं बुलाऊंगी। अरे और बाबा ये क्यों भूल गया? अरे हाँ, इस पर तो साइन करें। मैं पेन लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक। मामा भी ना ऐसा बातों में लगाती है ताकि मेरा ये फॉर्म इग्नोर हो जाए। ये लीजिए। अबे पढ़ तो लो। ये आप हजार दफा पढ़ चुके होंगे, जल्दी साइन कर दें। बाबा अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से बाबा सुनकर। माफ कीजिएगा, गलती से बोला है। गलती से ही सही कहा तुम। बाप के हकूक जानते भी हैं आप? मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। इन रगों में दौड़ता हुआ खून बाकी है, चाहो तो ये भी ले लो और कुछ रह गया हो तुम।